मुखी अर्थर ने इंटरनेशनल लीग को खिते के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चार्ज संभालने के बाद मशहूर कोच मुखी अर्थर इस वक्त अमारात इंटरनेशनल लीग के मैचों को देखने के लिए दुबई में हैं और लीग के मियार को खिते का गेम चेंजर करार दे रहे हैं। मुखी अर्थर का ख्याल है कि सफ अव्वल के गैर मुल्की क्रिकेटर्स और मायानाज कोचेस अमाराती टीम को वर्ल्ड क्लास टीम बना देंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुमकिन डायरेक्टर मुखी अर्थर का कहना है कि अमारात में होने वाले इंटरनेशनल लीग से मुत्तहिदा अरब अमारात को मजबूत टीम तश्कील देने में मदद मिलेगी। इससे मकामी टैलेंट को ग्रूम करने में भी मदद मिल रही है। मुखी अर्थर ने कहा कि अमारात में गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इस लीग से अमारात क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा। कुछ अर्से पहले जब इंग्लैंड में बर्फबारी हो रही थी, मैं बिग बैश के मैच टीवी पर देख रहा था। मैं बांग्लादेश, दुबई और जनूबी अफ्रीका के मैचों का मजा लेता रहा। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में टॉप के कोचेस हैं जो खिलाड़ियों के टैलेंट को निखारने में मदद देंगे। मैं दुबई के खूबसूरत स्टेडियम में खुशी महसूस कर रहा हूं। यहां प्रेशर के बगैर क्रिकेट देखने का मजा ही कुछ और है। उनका मजीद कहना है कि अमारात में शानदार टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें मशहूर क्वालिटी के खिलाड़ी एक्शन में हैं। अमाराती क्रिकेट को मैं शारजा के दौर से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन आईएल लीग में मकामी टैलेंट को देखकर खुशी हो रही है। मुस्तफा नामी बीटर कमाल का खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लेग्स हो रही हैं, जिससे मकामी टैलेंट को फायदा हो रहा है। पाकिस्तान और भारत इसकी बेहतरीन मिसाल है। वाजह रहे कि आईएल टी20 के प्ले ऑफ बुध से शुरू होंगे और फाइनल इतवार को होगा। फातह टीम $7 लाख और रनर्स अब $3 लाख की हकदार होगी।